दिल से दुआ देती हूँ अल्लाह तुम्हारी बस हमारे को दिएंगे तो तुम दिल से दुआ देते अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे और तुम्हारे हाथ अब्बा मलिक की कुव्वत दे अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे बाबा। अस्सलाम वालेकुम, हमारे राशन का इंतजाम करो, हम लोगों को माँ समझ के भिजा करो हर महीना। अस्सलाम वालेकुम बहन, जो भी है आप लोग हम लोगों का हर महीना ख्याल करते, हम भी इंतजार करते हर निवाले पे दुआ करते आप लोगों के लिए। हम ज़ईफ़ लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हम भी आपकी माँ आपके माँ बहन के जैसे हैं, ज़रा हमारा ख्याल कर देंगे तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होंगी, बहुत बहुत दुआ देंगे हम हर निवाले पे, हर पल दुआ देते आपको महीना भर का के राशन। माँ देखो हर महीना राशन भेजा इंतजार कर रहे हैं हम, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी उम्र बड़ी करे, आपके सेहत को अल्लाह अच्छा रखो। हमारे घर महीना राशन का इंतजाम करो, तुम्हारा सवाब रहता है, गरीब लोग हैं देखो हमारा ख्याल करिए। देखो बाबा हम प्राइवेट की जरूरत है, हम घर मना राशन भेजेंगे, हम बहुत परेशान हैं। खाके दुआ देते गरीबों का इंतजाम करो, हम लोग राशन कर दीजिए, सब जने आप लोग बहुत परेशान राशन कीजिए, सब गरीब लोग हैं हम लोग, खाने का इंतजाम करो, हम लोगों को महीना महीना मिलता है, हमको खाने की तकलीफ बहुत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खद्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं 13 फरवरी सैटरडे हफ्ते का दिन है आज, और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कई सारी बेवा औरतें हैं जो ज़ईफ हैं, कई सारी जवान बहनें हमारी जो कम उम्र में बेवा हो चुकी हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, इनके लिए अभी तक राशन का इंतजाम नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हर महीना हमें खिदमत खलशी की तरफ से 100 से 150 घर के औरतों के लिए राशन का इंतजाम करना पड़ता है, जिसमें बेवा ज़ईफ औरतें रहती हैं जिनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन अभी तक इनके लिए राशन का इंतजाम नहीं हुआ। हर एक घर के लिए हम 1,000 रुपये का राशन देते हैं, लेकिन बेचारे इस साल में हैं इतने परेशान हाल, रोते हुए मेरे ऑफिस पर आ रही हैं परेशान हाल, बार बार एक ही सवाल मुझे करती हैं फ़ोन करके कि मैडम हमें राशन कब मिलेगा, हमारे राशन का इंतजाम प्लीज़ करिए मैडम। अब मेरे ऑफिस पर आकर बैठ चुकी हैं। देखिए आप देखिए, ऐसे बुजुर्ग औरतों का साथ देना, इन लोगों का सहारा बनना बहुत बड़ा सवाब का और नेक काम है कि इनके लिए राशन का इंतजाम करना। देखिए आप लोग अगर चाहे तो ऐसे लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने अगर आपके वालिदिन का अगर इंतकाल हो चुका है तो उनके सवाब जारिया के लिए, उनके रूहानी सुकून के लिए, उनको सवाब जारिया पहुँचाने के लिए ऐसे बुजुर्ग औरतों का आप सहारा बन सकते हैं, इनके अपने माँ बाप समझ के आप इनके लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके वालिदिन जिंदा हैं तो अल्लाह उनको और सेहत और तंदुरुस्ती फरमाए, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, तो उनके नाम से भी आप ऐसे लोगों के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। क्या हम एक एक घर के लिए 1,000 रुपये का राशन आप लोग नहीं दे सकते? सोचिए आज हमारा मुस्लिम माशरा कितना परेशान है, किस हाल पर जा रहे हैं आज हमारे मुसलमान लोग, किस हाल में रह रहे हैं आज हमारी जवान बहनें, कम उम्र में बेवा हो चुकी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे वाली हैं, तो सोचिए ऐसे लोगों का अगर हम सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम मुसलमान ही अगर आगे बढ़कर इनका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? तो क्या आप लोग एक एक घर के लिए, एक एक बेवा औरत के लिए राशन का इंतजाम नहीं कर सकते? अगर आप लोग चाहे तो 5 घर के लिए, 2 घर के लिए, 3 घर के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। 1,000 रुपए का एक घर का राशन होता है, तो आप अगर ये अहद करेंगे कि हर महीना चलिए हमारी तरफ से 5 बेवा बुजुर्ग औरतों को हम राशन दे रहे हैं, हमारी तरफ से हमारी जवान 5 बहनों के लिए हम घर का राशन का इंतजाम कर रहे हैं, तो सोचिए अल्लाह ताला भी आपके इस काम से खुश होगा, क्योंकि एक एक निवाले के ऊपर भी बोलते हैं ना कि नेकी लिखी जाती है हर किसी के खाने पे, तो एक एक दाने पे भी उन लोगों की नेकी लिखी जाती है। तो आप लोग अगर इनके लिए खाने का इंतजाम करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपको इसका जरूर सवाब देगा, और आपको इसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों को बराबर इसका सवाब जारिया मिलता रहेगा, क्योंकि देखिए भूखे को खाना खिलाना एक बहुत ही बड़ा सवाब का नेक काम है। हम यहाँ पर इनके लिए राशन का इंतजाम कर रहे हैं, एक महीना खाती है एक औरत 1,000 रुपये का राशन, ज़ईफ़ औरत जिसका कोई सहारा नहीं। सोचिए ज़ईफ़ लोग क्या खाते होंगे, इनका खाना कितना होता है, ज़ईफ़ औरत का छोटा सा 4 नियाले खाने के अंदर इनका पेट भर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम राशन का इंतजाम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बुजुर्ग औरतों की आप लोगों को दुआई लगेगी। हर महीना मुझे 100 से 150 घर के लिए राशन का इंतजाम करना पड़ता है, और इतने कॉल्स आते हैं लोगों के, मैं खुद उठाते उठाते परेशान हो जा रही हूँ कि या अल्लाह कैसा इनके लिए इंतजाम करेंगे हम। तो बस आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है, आप लोग आगे बढ़कर अगर 5, 10, 15 घर के लिए भी आप लोग इंतजाम करेंगे तो जाहिर सी बात है इन लोगों की मदद हो सकती है। आप लोग चाहे तो चावल के थैले दे सकते हैं, चावल की थैलों से पैकिंग करवा सकते हैं चावल, या फिर आप लोग एक एक घर के लिए 1,000 रुपये का पैकेज ही बनाकर लाकर देना चाहते हैं तो एक एक घर के लिए आप हिसाब से 1,000 रुपए का राशन का पैकेज बनाकर लाकर आप लोग डायरेक्ट लाकर दीजिए। तो देखिए जाहिर से एक मासूम बच्ची, देखिए यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये जो लड़की है इसके दोनों माँ बाप नहीं है, बेटे वो सर्टिफिकेट दो, ये लड़की के माँ नहीं है बाप ही नहीं है, दोनों के डेथ सर्टिफिकेट है। तो हम ऐसे लोगों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कुछ कहीं बेवा है तो छोटी सी मासूम बच्ची है उसके माँ बाप नहीं है, तो ऐसी लड़की के लिए अगर आप राशन का इंतजाम करें तो जाहिर सी बात है आपको दुआ ही लगने वाली, अल्लाह ताला खुश होने वाला है आप लोगों से। देखिए मेरा आज मेरे को
इस बात का टेंशन है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज हमारे मुस्लिम माशरे में इतनी सारी औरतें, अभी ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ 40 औरतें हैं हमारे पास इस वक्त ऑफिस पे, मेरी सिर्फ 40 औरतें आई हैं, और कई सारे लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं। मैं हर किसी को बस एक ही बात कह रही हूँ कि मैडम मेरी अम्मा सब्र करिए, इंशाल्लाह आपका इंतजाम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने वालिदैन समझ के लिए इंतजाम करिए, अपने घर के माँ बाप के लिए आप कुछ कर रहे हैं, हर महीना हमारे माँ बाप के नाम से हम किसी को 1000 रुपये का राशन दे रहे हैं, इस तरीके से अगर आप नियत करेंगे तो जाहिर सी बात है कई सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। हम सब मिलकर ऐसे कई सारे लोगों के लिए हम राशन पहुंचा सकते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों के लिए राशन का इंतजाम करिए, हमारी बहनों के लिए, ज़ईफ़ औरतों के लिए राशन का इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। सब गरीब लोग हैं, हम लोग खाने का इंतजाम करो, हम लोगों को महीना महीना मिलता है, खाने की तकलीफ बहुत। आप लोग जैसे चाहें के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लाकर पार्सल्स भी बनाकर देना चाहते हैं, 1000 रुपये की किट्स भी बनाकर देना चाहते हैं तो वैसे भी बनाकर दे दीजिए। चावल के थैले देकर आप लोगों के लिए मदद करिए, जैसे चाहे आप इनके लिए इंतजाम कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद। दिल से दुआ देती हूँ, अल्लाह तुम्हारी बस हमारे को देंगे तो तुम दिल से जवाब, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारे हाथ वाली की कुव्वत दे, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे राशन का इंतजाम करो, हम लोगों को माँ समझ के भिजा करो हर महीना। अस्सलाम वालेकुम बहन, जो भी है आप लोग हम लोगों का हर महीना ख्याल करते, हम भी इंतजार करते हैं हर निवाले पे, दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। हम ज़ईफ़ लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम भी आपकी माँ, आपके माँ बहन के जैसे हैं, ज़रा हमारा ख्याल कर देंगे तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होंगी, बहुत बहुत दुआ देंगे हम हर निवाले पे, हर पल दुआ देते हैं आपको महीना भर का के राशन। अम्मा देखो हर महीना राशन भेजा, इंतजार कर रहे हैं हम, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी उम्र बड़ी करे, आपको सेहत के वाला अच्छा रखो, हमारे घर महीना राशन का इंतजाम करो, तुम्हारा सवाब है, गरीब लोग हैं, देखो हमारा ख्याल करिए। देखो बाबा हमको राशन की जरूरत है, हम घर महीना राशन देते हैं, हम बहुत परेशान हैं। हर महीना राशन देते जाओ, अम्मा खा के दुआ देते, गरीबों का इंतजाम करो, राशन का दीजिए, सब जने आप लोग परेशान, सब गरीब लोग हैं, हम लोग खाने का इंतजाम करो, हम लोगों को महीना महीना मिलता है, हमको खाने की तकलीफ बहुत है।